आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी सी मसालेदार आलू मसाला वाली भरवा शिमला मिर्च। इसे बनाना बहुत ही आसान है और पूरी पराठों के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। एकदम आसान रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 4 शिमला मिर्च ली है। ग्राम में ये 300 ग्राम शिमला मिर्च है। इसे हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब हम शिमला मिर्च के ऊपर का डंठल हटा देंगे। इसे हम 2 भागों में कट करेंगे और इसके जो बीज हैं वो हम हटा देंगे ताकि हम इसमें मसाला अच्छे से भर सकें। तो ये देखिए, मैंने इसके बीज हटा दिए हैं। इसी तरह से हम सारी शिमला मिर्च को कट करके और उसके बीज हटा करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने शिमला मिर्च को कट करके तैयार कर लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों को पहले अच्छे से चटक जाने दीजिए, उसके बाद में हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे। अब हमने यहाँ 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई और 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देंगे। बस धीमी आंच पर 10-15 सेकेंड के लिए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 1 टमाटर को कट करके लिया है। यदि आप लहसुन प्याज डाल रहे हैं तो लहसुन प्याज को टमाटर डालने से पहले ही भून लीजिएगा। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है 1 छोटा चम्मच के करीब, और 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छे से फूलेंगे। बस अब टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए। और ये लीजिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने टमाटर को अच्छे से भून कर सॉफ्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने हाथों से ही मैश कर लिया है। आलू के यदि चंक्स रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम आलू को मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। इससे मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लीजिए, हमने आलू को 2 मिनट के लिए अच्छे से भुना। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच भरकर दरदरी पीसी हुई सौंफ डालेंगे। भरवा सब्जियों में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला मिक्स हो जाने के बाद आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। आप मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए, इसमें नमक या खट्टापन कुछ भी आपको कम लगता है तो आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो मुझे इसमें नमक और खट्टापन दोनों ही कम लगा, तो मैं यहाँ पर नमक और आमचूर पाउडर का और इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाला हमारा तैयार है, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा मसाला है। तो आप इस तरह से मसाला बनाकर भरवा शिमला मिर्च बनाकर देखिएगा, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो बस अब हम शिमला मिर्च में ये मसाला भर लेते हैं। अच्छे से दबाकर मसाला भरिएगा जिससे मसाला सेकते टाइम बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से चम्मच से दबाते हुए आप इसमें मसाला भर दीजिए। इसी तरह से हम सारी शिमला मिर्च को भरकर तैयार कर लेंगे। तो हमने मसाला भर लिया है, हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया है। आप इस मसाले को ब्रेड में भरकर सैंडविच भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से फैला लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिएगा और एक एक करके ये सारी शिमला मिर्च पैन में रख दीजिए और इसे ढक कर धीमी आँच पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 मिनट होने के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो हमें शिमला मिर्च को पकाते हुए करीबन 3 मिनट हो गए हैं। तो हम इसे इस तरह से पलट देते हैं। ये देखिए, हमें पलट पलट कर मिर्ची को सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब आप क्या कीजिए, इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दीजिए, क्योंकि जो शिमला मिर्च है उसमें फीकापन इससे नहीं लगेगा, एकदम चटपटी सी शिमला मिर्च लगेगी। तो बस अब हम इसे फिर से ढक कर धीमी आँच पर करीबन 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो फिर से करीबन इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे,
थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा देंगे। पानी का छींटा लगाने से जब हम इसे ढक कर पकाते हैं तो अंदर स्टीम बनती है और शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए हमें इसे पकाते हुए फिर से करीबन 3 मिनट हो गए हैं, तो आप इसे इस तरह से फिर से पलट दीजिए। तो जब तक शिमला मिर्च सॉफ्ट नहीं हो जाती है आप इसे अलट पलट करते हुए पका लीजिएगा। और शिमला मिर्च को हमें पकाते हुए करीबन 16 से 17 मिनट हो गए हैं। आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये सॉफ्ट हो चुकी है और इसका जो ऊपर का मसाला है वो भी काफ़ी अच्छा क्रिस्पी दिख रहा है। तो बस अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, अच्छी तरह से शिमला मिर्च सॉफ्ट भी हो गई है। तो ये हमारी भरवा शिमला मिर्च तैयार है, मैंने ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।